नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड मोर। दोस्तों, हेल्थ एंड मोर का मकसद आपकी सेहत से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराएं। पिछले कुछ सालों से हम लोग कोरोना के बीच ऐसे उलझे हैं कि हम लोग कई बार जाने अनजाने में दूसरी बीमारियों को नजरअंदाज कर बैठते हैं। बात की जाए बच्चों की तो छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और उन्हें कोई भी बीमारी आसानी से अपना शिकार बना लेती है। यही कारण है कि हमें छोटे बच्चों को गर्मी और सर्दी दोनों के प्रकोप से बचाकर रखना पड़ता है। हाल ही में अमेरिका, लंदन, फ्रांस, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इटली जैसे कई देशों से छोटे बच्चों में एक्यूट हेपेटाइटिस होने की खबरें सामने आई थी। इन खबरों के मुताबिक ये बीमारी सीधे बच्चों के लिवर पर अटैक कर रही है, जिससे कि छोटे बच्चों को कई कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रभजोत कौर बजाज से कि आखिर एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ऑफ अननोन ओरिजिन, जो कि आजकल का एक बहुत ही करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड ऑफ कंसर्न है। हेपेटाइटिस का मतलब है स्वेलिंग ऑफ द लिवर और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जो कि हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हेपेटाइटिस अगर हम देखें तो इंडिया में इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज, क्योंकि ये वाटर बॉर्न होती है, बच्चों में कॉमन होती है। और हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई, ये बेसिकली कॉज करते हैं हेपेटाइटिस, जाके स्वेलिंग ऑफ द लिवर। बट आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो हेपेटाइटिस ऑफ अननोन ओरिजिन, जो कि सबसे पहला केस अलबामा US में पाया गया था। इन बच्चों में फीवर नहीं था और एज ग्रुप जो बच्चे इस हेपेटाइटिस से सफर कर रहे थे वो 1 महीने से लेकर के 16 साल के बच्चे थे। दे केम विद अ हिस्ट्री ऑफ स्टमक पेन, वॉमिटिंग, हाई कलर्ड मीन बहुत ही तेज गहरा पीला यूरिन एंड मे बी लेथार्जी। तो इन सब बच्चों को जब एडमिट करा गया तो एडमिट करके जो उनके ब्लड टेस्ट में देखा गया था कि इनके लिवर एंजाइम्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, कि जो कि हम नॉर्मली हेपेटाइटिस में देखते हैं। बट नॉर्मल हेपेटाइटिस में फीवर एक प्रीसीडिंग होता है सिम्टम, जो कि इन बच्चों में नहीं पाया गया। तो चलिए आप जानते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस ऑफ अननोन ओरिजिन नॉर्मल हेपेटाइटिस से कितना अलग है और इसके फैलने के क्या कारण है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब करे गए तो उन सब में एक पर्टिकुलर वायरस जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, वो एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर पाया गया। एडिनो वायरस इंडिया में भी देखा जाता है, पर उसके सिम्टम्स हमारे यहाँ पे खांसी, जुकाम, बुखार और रेड आई, जिसे कि कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो होना पाया जाता है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ये वायरस एक से दूसरे की ओर ट्रांसमिट जल्दी होता है। तो जिन बच्चों को US में अलबामा में जो टेस्ट करा गया था उनमें एडिनो वायरस मेजर कॉज था, वही मेजर वायरस था जिसके कारण ये इन्फेक्शन आया था। फिर यही वायरस स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, स्पेन, ऐसी कंट्रीज में पाया जाने लगा। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स काफी से केसेस ऐसे इन कंट्रीज में पाए गए। इनके जब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हुए या जैसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन हुई, उनमें कई बच्चों में एडिनो वायरस पाया गया, कई बच्चों में SARS-CoV-19 भी पाया गया और कई बच्चों में दोनों ही एडिनो वायरस और SARS-CoV-19 वर फाउंड टुगेदर। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर प्रभजोत से कि इस एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। इन बच्चों को मैनेज करा जाता है जैसे कि हम नॉर्मल हेपेटाइटिस को मैनेज करते हैं, इसमें स्वेलिंग को कम करा जाता है, फ्लूइड्स दिए जाते हैं जबकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हुए और लिवर को प्रोटेक्ट करने की दवाइयां दी जाती हैं। तो जो आउटकम निकला इन बच्चों का, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे की डेथ हुई, 17 बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा और बाकी बच्चे नॉर्मल मेडिकेशन से ही ठीक हो गए। तो WHO और CDC इस टाइम पे इस बात में लगे हुए हैं देखने के लिए कि ये वायरस एग्जैक्टली आ कैसे रहा है,
और इतना एग्रेसिव वे में कैसे प्रेजेंट करा, क्योंकि नॉर्मली अगर हम एडिनो वायरस देखें तो वो खांसी जुकाम बुखार जैसे ही प्रेजेंट करता है और 3 से 5 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स, हेल्थ ऑफिशियल्स, इन सबकी एक एग्रेसिव अप्रोच इस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस के अगेंस्ट है, देखने के लिए कि इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई केस अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं करा है। इन सब बच्चों के जो बाकी हेपेटाइटिस के वायरल मार्कर जो हम इंडिया में करते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव थे। तो एज ऑफ टुडे इस बीमारी से बचने का हमारे पास क्या उपाय है, तो इट इज द सेम थिंग एज वी फॉलो फॉर एवरी इन्फेक्शियस डिजीज, हैंड वॉशिंग, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, जो लक्षण जैसे कि लेथार्जी होना, पीला यूरिन आना, पेट में दर्द होना, रिपीटेड वॉमिटिंग होना, ये लक्षण देखें और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रभजोत ने तो एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस ऑफ अननोन ओरिजिन से रिलेटेड मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कई जानकारियां मिली होंगी। हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, लेकिन साथ ही अगर आपको भी किसी हेल्थ लाइफस्टाइल से जुड़े टॉपिक पर जानकारी चाहिए, देन राइट टू अस इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी और वीडियोस की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हेल्थ एंड मोर। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। Goodbye.